सलाम वालेकुम। आज हम एक और इश्यू पे बात करेंगे। यहाँ पे मैं आज 60C आप 1944 आपको यहाँ पे समझाता हूँ। 1944 है वो गैजेट गवर्नमेंट की तरफ से जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था उस वक्त वो महाराजा के दौर पे इशू किया गया था। और उस गैजेट में कुछ जो है कुछ प्लाट जो है वो मतलब मखसूस रखे गए थे यहाँ पे पहलगाम के लिए कि उन्हें क्या करना था वो गैजेट ही बता सकता है अंदर क्या है मसला। यहाँ पे मसला और कुछ है, मैं आपको समझाता हूँ। 60C जो मैं कहता हूँ साल 1944 में यहाँ पे नाफिज हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद अगर आप देखेंगे, आज अगर हम देखेंगे 77 ईयर हुए उसमें। 77 ईयर के बाद कुछ लोग जो है वो जमीन उसी जो है मतलब गैजेट के अगेंस्ट जमीन हासिल करना चाहते यहाँ पहलगाम में। जब हम गहराई तक गए, मैंने 2008 से या 9 से उसमें मेहनत की, कोशिश की कि ये मसला है क्या, ये गैजेट अगर है इसका है क्या मतलब रिलेशन क्या है इसके साथ। और उसमें देखिए जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो उन जो उस गैजेट को, जैसे ये सर्किट रोड पे हम अभी बैठे हैं, ये पूरी फेंसिंग लगी हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं ये फेंसिंग है यहाँ। इस फेंसिंग इन दोनों एरियाज को कहते थे कि यही 60C में अलाट हुआ है। हमने बार बार सरकार को समझाने की कोशिश की, चाहे डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे जंगलात हो, चाहे और डिपार्टमेंट है जिसमें हम मतलब रेवेन्यू की भी बात करते हैं, तो उनको हमने समझाने की कोशिश की अगर इस गैजेट के अगेंस्ट लोगों को, कुछ लोगों को जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनको जमीन अलाट हुई है, हम कहना चाहेंगे कि उनको किसके इवज अलाट हुई है, क्या उन्हें कहीं पे पैसे दिए, क्या इसको आउटसोर्स हुआ, क्या इसको ओपन ऑक्शन हुआ इस जमीन के लिए, क्या उन्हें कहीं पे लैंड जो है जमीन दी है और जमीन के बदले जमीन लिया। लेकिन जब देखा जाता है इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है। लोगों ने इसको जो भी है, हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों ने इसको ग्रेब किया हुआ है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर हम वाइल्ड लाइफ एरिया जो हम जिसको हम शिकारगाह कहते हैं, अगर हम वहां देखेंगे, अगर हम और जगहों पे देखेंगे, काफी लोगों ने इस एक्ट के ग्रेब में काफी जमीनें हड़प की है, और जिसमें फॉरेस्ट की लैंड है, जिसमें वाइल्ड लाइफ लैंड है। जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने RTI किया कुछ साल पहले, तो RTI में उन्हें कैटेगरी के लिए कहा कि उन्होंने इस एक्ट के अगेंस्ट इवज कोई भी जमीन सरेंडर नहीं की है। लेकिन जब लोग आते हैं वो जमीनें 60C के ग्रेब में खाते हैं। लेकिन अगर हम उन जमीनों को देखेंगे, या वो वाइल्ड लाइफ में आते हैं या वो फॉरेस्ट जो बाउंड्रीज में आता है, कुछ होटल इसमें बने, कुछ बड़े स्ट्रक्चर इसमें बने, कुछ जमीनें इसमें अभी भी कुछ लोगों के पास है। मैं कहता हूं कि फॉरेस्ट ने 2016 में हमने मेहनत ज्वाइंटली की और हमने ये पूरा रीजन बचाया जहां पे ये खुला जमीन था फॉरेस्ट का, बाउंड्रीज में है जमीन। लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसमें जो मैं कहूंगा यहाँ पे कि इन्हीं एरियाज को कहता था कि यही 60C में है। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो इस एक्ट के वो जमीन हासिल करना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर उनकी जमीन दी गई है तो फॉरेस्ट में वो कैसे जमीन लेंगे। अगर उनको अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने अलाट किए, अगर उनको हम कह सकते कि रेवेन्यू ने अलाट किए, तो वो उनको जमीन दे। फॉरेस्ट में तो वो नहीं ले सकते, वाइल्ड लाइफ में वो नहीं ले सकते, क्योंकि जब फॉरेस्ट ने कहीं पे सरेंडर नहीं किया, जब फॉरेस्ट ने कहीं पे जमीन नहीं दिया, और मैं एक्ट की बात करता हूं यहां पे, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके मुताबिक हम किसी भी फॉरेस्ट लैंड को कमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड है। तो फिर कैसे ये हो सकता है? काफी लोगों ने मेहनत की थी। मैं सर्किट रोड की बात करूं, ये सर्किट रोड सेफ हुआ, यहां पे फेंसिंग हुई, यहां पे आप प्लांट ये कानीफर वगैरह लगे हैं तो ये बचा है। लेकिन मैं कहता हूं कि जहां पे जमीनें हैं इस ग्रेव में, जो लोगों ने जमीनें ली है, जैसे खुद ली है या किसी से खरीद ली है, तो वो कैसे उन्हें खरीद लिया, सरकार उस पर तहकीकात करे, सरकार गहराई तक जाए। और इस एक्ट में जो भी इन्फ्लुएंस यूज किया गया, जिसमें कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं या और लोग हैं, उनको देखा जाए ये किस हिसाब से, ऐसे लोगों को देखा जाए। और जो भी लोग इसमें मुलव्वस है, जिन्होंने भी ये जमीनें ली, अगर कुछ लोगों ने इसमें जमीन एक्सचेंज में दी है, अगर कुछ लोगों ने पैसे दिए हैं, तो उनको देखा जाए। लेकिन
उस उनको भी देख के हमें उन्हें फॉरेस्ट एरियाज में जमीन मतलब हड़प नहीं करनी देनी चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट ने इस एक्ट के इवज या अगेंस्ट कोई भी जमीन यहाँ पे ट्रांसफर या सरेंडर नहीं की है, तो उसको देखा जाए। लेकिन जिन लोगों ने भी ये जमीनें हड़प की है, जिन लोगों ने भी ये जमीनें हासिल की है यहाँ पे या खरीद ली है, उनको देख के इस पूरे जो है हम एक्ट को नल एंड वाइड करके इन सारी जमीनों को हम बचाएंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को इसमें इनिशिएटिव लेने चाहिए। शुक्रिया।